लुलु मॉल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार लुलु मॉल में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लुलु मॉल को लेकर बहुत कुछ कह दिया गया है। कहा भी किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान के द्वारा है। दरअसल आजम खान ने अब लुलु मॉल के मालिक पर ही बड़ा आरोप लगा दिया है। आजम खान ने कहा है कि लुलु मॉल के मालिक आरएसएस के फंडरेजर हैं। मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में केस के सिलसिले में गुरुवार को आजम खान पहुंचे थे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने लखनऊ के लुलु मॉल को लेकर तीखा बयान दिया। लुलु मॉल को लेकर बीते दिनों हुए विवाद के सवाल के जवाब में आजम खान ने कहा कि मॉल का नाम रखने वाला राष्ट्रीय आरएसएस का फंडरेजर है, उसने मॉल बनाया है, नमाजी भी वही लाया है, पूरा विवाद भी उसने ही खड़ा किया है, उसे ही इसका नाम बदलना चाहिए, लेकिन वह नाम नहीं बदलेगा क्योंकि वह इस नाम से कमा रहा है। आजम खान ने कहा कि वह अपने गिरेबान में मुंह डालें और फिर जवाब दें। देखिए, शब्द ये नहीं है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जो मैंने इस्तेमाल किया। शब्द अरबी में पढ़ेंगे आप तो ये शब्द नहीं है। रखने वाला क्योंकि आरएसएस का फंडरेजर है, उसने माल बनाया है, नमाजी भी वही लाया था, विवाद भी उसने ही खड़ा किया, उसे इसका नाम बदलना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो नाम नहीं बदलेगा, वो कमा रहा इस नाम से, वो अपने गरेबान में मुंह डाले और फिर वो जवाब दे, हमसे जवाब न लिया जाए। वहीं बता दें कि इससे पहले 21 जुलाई को आजम ने कहा था कि मैं कभी मॉल गया ही नहीं, तो लुलु मॉल के बारे में क्या बयान दूं। उन्होंने कहा था कि हमने ना लुलु देखा है ना लुलु देखा है, हम आज तक किसी मॉल में गए ही नहीं। जो लोग जा रहे हैं उनसे पूछिए लुलु लोलो टुल्लु टोलो, क्या यार ये भी कोई बात हुई, लुल्लू लुल्लू और कोई काम नहीं है क्या? लखनऊ में लुलु मॉल को लेकर एक विवाद चल रहा है। हमने ना लुलु देखा ना देखा, हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए लुलु लोलो टुल्लु टोलो, क्या यार बताओ ये भी कोई बात है, लुलु लुलु और कोई काम ही नहीं है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई को मॉल का उद्घाटन किया था और लुलु मॉल में नमाज अदा करते लोगों का एक वीडियो 13 जुलाई को सोशल मीडिया पर सामने आ गया था, जिस वजह से एक हिंदू संगठन द्वारा लुलु मॉल परिसर में नमाज पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद वहां हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति मांगने के बाद इस घटना ने विवाद खड़ा कर दिया था, जहां अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कुछ सदस्यों ने 14 जुलाई को लुलु मॉल के गेट पर धरना दिया। महासभा के राष्ट्र प्रवक्ता होने का दावा करने वाले शशि चतुर्वेदी ने आरोप लगाया था कि एक विशेष समुदाय के लोगों को मॉल के अंदर पूजा करने की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने कहा था कि मॉल के अधिकारियों को हिंदुओं और अन्य धर्म के लोगों को भी मॉल के अंदर धार्मिक प्रार्थना करने की अनुमति देनी चाहिए। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए प्रशासन को निर्देश दिया था कि जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।